तो आज है सिक्स डे मॉर्निंग, ये है मम्मी डव, तो हम इसे निकाल देते हैं। ये देखो एकदम नजदीकियों से, लगता है ज्यादा करीब आ गए हम लोग। अभी ये फिर से आएगी, एक दो बार और फीड कराएगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो जैसा कि कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाला था, बेबी डव रेस्क्यू हुआ, आज इसका सातवां दिन है और ये उसके मम्मी डैडी बैठे हुए हैं। तो हुआ यूं कि जब ये रेस्क्यू हुआ था तो उस दिन शायद 6 डिग्री था और उसके दो दिन अगले दिन 4 डिग्री और कुछ दिन जो तो एक दिन रात में जो तो 2.8 या 3 ऐसा कुछ भी था। तो मसला ये था कि मतलब जिस दिन ये रेस्क्यू हुआ था ये नाली में पड़ा हुआ था, भीगा भी हुआ था हल्का सा और मतलब एकदम ठिठुरा हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके बचने की और काफ़ी छोटा भी था। और खैर मैं डे बाई डे का जो तो वीडियो भी दिखा रहा हूँ, जिस दिन मैं मतलब ये रेस्क्यू हुआ था तो उस दिन देखे रहोगे ये इतना था और इसके जो पर थे काफ़ी छोटे भी थे और मैं मुश्किल से इतना ऊंचा उड़ पा रहा था, पर ख़राब भी थे और इस वजह से भी वो थोड़ा छोटा भी था, इस वजह से भी दोनों वजह थी। तो खैर इसके मम्मी डैडी वो बैठे हुए हैं इसको खिलाई भराई देने के लिए। ओए हे, लो कौए ने परेशान कर दिया। ओ नो, ये तो दूसरे के घर में जाके गिर गया। तो खैर अभी वीडियो को पॉज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, हो सकता उड़ के वापस इधर आ जाए। एक तो दूसरे का घर भी है तो इसलिए उधर कैमरा नहीं ले जा सकते। तो खैर अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इतने दिनों से तो कौए ने परेशान नहीं किया और वो सीधा जो तो आज जो तो झपटने, वैसे उड़ने लायक हो गया है, उम्मीद है कि अपने से वो निपट लेगा। तो ऐसा वीडियो पॉज करते हैं, उसके बाद हम अभी देखते हैं क्या होता है। कौए को तो भगा दिया गया लेकिन ये भराने इसको बार बार आ रहे हैं इसी पिंजरे के पास, वो सोच रहे इसी में होगा। लेकिन वो अभी वहीं पर नीचे गिरा हुआ है और मतलब उस घर पे कहीं पे ज़मीन में होगा या सीढ़ियों पे हो या कहीं भी हो, लेकिन वो है वहीं पर। कौए को तो मैंने भगा दिया 2-3 ईंटें मार के और मसला ये है कि वो तभी उड़ेगा या तो वहाँ से कोई गुजरेगा, और देखो वो अभी भी खिलाने के लिए ही देखो तैयारी कर रहे हैं वो इसे, या फिर ये उस ये जो इनके माँ बाप हैं उधर के साइड कहीं बैठे जहाँ से वो दिखे, वो इनको देख ले तो पक्का है कि वो उड़ जाएगा वहाँ से। तो अभी मुझे और भी वेट करना पड़ेगा, अभी तो 10-15 मिनट ही हुए हैं। गड़बड़ हो गया इस बार यार, ऐसा कभी नहीं होता था और इतना बड़ा बच्चा, इतने बड़े बच्चे को कौआ उड़ा रहा है। तो खैर कौआ अपना शिकार कर रहा है, वो अपना जान बचा रहा है, देखते हैं, उम्मीद है कि बच जाएगा। वो सिर्फ एक बार उड़ ले, उड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो 10-15 मिनट अगर वो फ्री रह लेगा तो वो उड़ना शुरू मतलब आज़ाद खुद ही अपने हिसाब से वो रहना लगेगा। अगर आ जाता है पकड़ने की कोशिश करेंगे
नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो इतना बड़ा है ही है कि उड़ जाएगा। और अपने जगह एक का दुक्का खाता भी था, तो अब उसे आने दो फिर देखा जाएगा। देखो एक अजनबी कबूतर कब आके बैठा मुझे पता भी नहीं चला, और मैं यहीं पर वो डव की वीडियो ही बना रहा था जिसे कौवे ने दौड़ा दिया था। कब कहाँ से आके बैठा मुझे पता भी नहीं चला, अभी जस्ट घूम के मैं देखा तो वो यहाँ पे पेड़ पे बैठा हुआ है। ये दिख रहा है दाने, तू देखता हूँ। काफ़ी थका हुआ है, गोलों में से गोले हम लोग लड़िया बोलते हैं, लड़ते हैं ना। देखते हैं क्या होता है, चांसेस नहीं लग रहे हैं कि उतरेगा। क्योंकि गोले बड़े तेज होते हैं, तो वो गिरबाज की तरह मतलब उस पे जैसे कि दाने दिखाया और ये दिखाया वो उतर गया, ऐसा नहीं। देखो गिलहरी उसे परेशान कर रही है, देखो ये, देखो देखो उड़ गया। तो वो जाके बैठा वो अजनबी कबूतर, झंडा देख रहे हो जस्ट झंडे के पास। तो खैर छोड़ो, आना होगा तो आएगा, कोई वो नहीं। लेकिन अपना डव यार चला गया, कौवे ने दौड़ा दिया, तो उसी देख रहा हूँ। अफसोस कि वो दिखा नहीं, और अभी तक लग रहा है वहीं पर है उसी छत पे, और ये लोग इनको ढूंढ रहे हैं बार बार, उसे खिलाने भराने आ रहे हैं। तो ये लोग जब उधर जाएंगे मुझे लगता है देख के उड़ जाएगा, तभी वो आ पाएगा, या फिर कोई अभी तक आया भी नहीं उस छत पे इस वजह से भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे। और उड़ के जाएगा भी तो आसपास में ही रहेगा, क्योंकि इसी पेड़ पे ही निकला है, और इसके माँ बाप भी इतना अपने इधर ही दो चार छत के एरिया में ही रहते हैं, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। कौवा तो भाग गया, एक बार फिर आया था तो इस हिसाब से लगा कि मतलब अभी भी वो वहीं पर है, सेफ है। बट कौवा जल्दी नीचे उतरते नहीं है सीढ़ियों पर, वो मतलब जहाँ थोड़ा अंधेरा होता है ना कौवा वहाँ से भागते हैं कि कहीं उन्हें कोई पकड़ ना ले, वो डेढ़ साढ़े होते हैं। तो खैर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जैसा होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में बता देंगे। तब तक ये चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़। बजीज बाथिंग, ये देखो कई दिनों के बाद जो, तो आज थोड़ा सा मतलब मौसम नॉर्मल हुआ है, धूप निकल भी चली जा रही है, एक दो मिनट में ख़त्म हो भी हो जा रही है, लेकिन फिर भी उतना ठंडा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने पानी रख दिया है ताकि बजीज नहाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये फूली फूली पर फुला के बैठी हुई थी, तो इसीलिए मैं सोचा कि नहला दूँ तो इनकी ठंडी थोड़ी सी कम हो जाए। और थोड़ा करीब चलेंगे तो उड़ जाएंगी ये। तो इनको मस्ती करने दो, अरे कबूतर की तरह नहीं नहाती लगता है कि घुस जाए तो फिर घुस के बैठ के अपना करें, बस एक बार इस तरह करके निकल जा रहे हैं, फिर दोबारा आ रही हैं, फिर जा रही हैं। पहले केज में थी तो मैं खुद नहला देता था, वो जैसे कबूतरों को रबड़ से पाइप से नहलाता था ना, तो ये मस्त से अपना नहाती थी, आती थी जाती थी। पहली बार इसमें समझो कि इस तरह से नहला रहा हूँ मैं,
और जब से ठंड आया बड़ी है बारिश के बाद से मैं मतलब नहलाना बंद कर दिया, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं आज इस तरह रख दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आएंगे नहाने, लेकिन मैं देख रहा था कि ये कई दिनों से फूली हुई हैं, तो इसलिए मैं रख दिया कि शायद नहा लें, और रखते ही साथ नहाना भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। चलिए हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको इनकी मस्ती करने देते हैं आराम से।